हर साल की तरह इस बार भी श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले भारत पाक सीमा पर बने नवग्रह मंदिर से एक विशाल शिरपुंज त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जो पुंज की मुख्तलिफ जगहों से होते हुए 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पुंज के कॉलेज ग्राउंड पहुंची और विधि और मंत्रों के साथ उसे स्थापित किया गया, जो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा समाप्त होने तक यहीं पर स्थापित रहेगा। और इस त्रिशूल यात्रा को पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने शुरू की थी, जो आज तक जारी है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त पुंछ संदेश कुमार शर्मा पूजा अर्चना में शामिल हुए और यात्रा को झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस त्रिशूल यात्रा में हर समुदाय के लोग शामिल हुए। सनातन धर्म की जय। मैं यही कहूंगा कि ये तीसरी भव्य त्रिशूल यात्रा जो नवग्रह मंदिर अजोड़ से निकली, सबसे पहले ये मेरे पिताजी की आज से 3 साल पहले जब मृत्यु हुई, तो ये बजरंग दल और वीएचपी और पुंछ के जितने बड़े कार्यकर्ता हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उन सब ने तय किया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए बहुत ज़्यादा था, तो ये बजरंग दल वीएचपी वालों ने ये यात्रा जो है 3 साल पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी को नाम डेडिकेट की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में आज तीसरी सफल त्रिशूल यात्रा जो नवग्रह मंदिर अजोड़ से निकली। मैं तह दिल से बजरंग दल वीएचपी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करूंगा, जो जोश खरोश से हर साल इस यात्रा को सफल बनाने में अपना कोई भी मतलब कोई इतनी सी पूंजी तक नहीं छोड़ते, पूरा दिन रात यहाँ इसको सफल बनाने में लगे रहते हैं। और मैं सारे पिताजी के साथियों प्रेमियों का तह दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो आज 3 साल बाद भी मेरे फादर के प्रति इतना प्यार जो उनका यहाँ झलकता है यात्रा में सफल किया। और ईश्वर से एक ही कामना करूँगा कि जो ये हमारा भारत है ये इसी तरह मजबूत रहे और एकता और अखंडता के जिस राह पे चल रहा है, भगवान इस हमारे भारत को उसी राह पे चलाए। मजहब के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, ये आपको पता है कि हमारे फादर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जैसे आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनने कभी किसी कौम किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया। ये उन्हीं का प्यार है जो यहाँ झलकता है, तभी करके लोग आते हैं। आपने देखा होगा सुबह 9 बजे से नवग्रह मंदिर में किस तरह लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था उनके नाम से जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको अच्छे तरह से निकालना चाहिए।